रोहतक में सफाई अभियान की शुरुआत की सहकारिता मंत्री मनीष ग्रोवर ने। अब घर घर डोरबेल बजाएंगे स्वच्छता कर्मी, अलग अलग डस्टबिन रखने होंगे घरों में। निजी कोष से स्वच्छता कर्मियों को सम्मानित करने की घोषणा की ग्रोवर ने। विजेता खिलाड़ियों को भी दी शुभकामनाएं। पूर्व विधायक भारभूषण बत्रा पर बोले ग्रोवर, कह नहीं आता उन्हें, वह बाबू है, अपनी प्रैक्टिस करें। हरियाणा के सहकारिता मंत्री मनीष ग्रोवर ने आज रोहतक में स्वराज अभियान की शुरुआत की। उन्होंने स्वच्छता कर्मियों की इसके लिए शपथ भी दिलवाई। अब इस अभियान के तहत स्वच्छता कर्मी घर घर जाकर डोरबेल बजाएंगे और लोगों को जागरूक करेंगे कि उन्हें दो तरह के डस्टबिन के अंदर कूड़ा डालना चाहिए। इस अभियान की शुरुआत करने पहुंचे ग्रोवर ने स्वच्छता कर्मियों को शपथ भी दिलवाई और साथ ही उनके लिए घोषणा भी की। उन्होंने कहा कि जो स्वच्छता कर्मी जिस इलाके में अच्छा कार्य करेंगे उन्हें उनके निजी कोष से 5100 और 11000 रुपए से पुरस्कृत भी किया जाएगा। साथ ही उन्होंने स्वच्छता कर्मियों के लिए सरकार की तरफ से और भी कई घोषणाएं की। हालांकि इस दौरान स्वच्छता कर्मी अपनी मांगों को लेकर उनसे बात करने के लिए आतुर नजर आए। 18 अप्रैल से 5 मई तक पूरे प्रदेश के अंदर एक स्वराज योजना के तहत से पूरे नगर के अंदर आज शपथ दिलवाई गई है कि घर घर से जैसे कूड़ा उठ रहा है उसका गीला अलग से सूखा अलग से बैल द्वारा उठाया जाए कि हमारा देश साफ सुथरा रहे। हम बाहर से घूम कर आते हैं, विदेशों से घूम कर आते हैं, जब घूम के आते हैं तो वहाँ कहता हमारा शहर सुंदर है। शहर सुंदर है तो उसको समाज के बिना नहीं हो सकता, तो समाज से सहयोग करके अपील करता हूँ आज के इस माध्यम से, संकल्प ले कि हम इस अवस्था को अभियान को और सहयोग करें तो हमारा नगर निगम हमारा विभाग इस काम को आगे बढ़ाए। आज के दिन हमने ऐसी शपथ दिलाई है कि आने वाले संबंधन कर स्वच्छता को इसे चलाए। कहा कि समाज के बिना सहयोग के नहीं हो सकता कि जबकि आज से 3-3.5 साल पहले कूड़े का ढेर के ठाले हमारी बहन और महिला किसी रोड के ऊपर 500 मीटर पर जाकर थैली फेंकती थी, आज मेरा सरकारी विभाग नगर निगम का दरवाजे पर जाकर कूड़ा लेकर आता है। पर जब घर से हम निकलते हैं तो कोई ना कोई अभी भी जो समाज का लोग रास्ते पर रोड के ऊपर ढेरी एक 500 आधा किलो की फेंक कर चला जाता है जितने पूरा रोड गंदगी नजर आता है। तो इसलिए वहाँ पर भी एक सख्ती करने की जरूरत है और समाज के सहयोग की जरूरत है कि जो इलाका साफ सुथरा होगा उसको 5100-11000 का इनाम और उसके साथ साथ उनका एक हम मेडिकल जो है कैंपस लगाया जाएगा जहां पर इनको निशुल्क इनके स्वास्थ्य की जांच भी की जाएगी। ये हमने आज कर्मचारी को एक आज का दिया एक सौगात दी। इस अवसर पर खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देते हुए ग्रोवर ने कहा कि उनकी खेल नीति बहुत जबरदस्त रही है। पूर्व सरकारों पर आरोप लगाते हुए ग्रोवर ने कहा कि पूर्व सरकारों के समय में नशे की तरफ जा रहे युवाओं को उनकी खेल नीति खेल की तरफ लेकर आई है। हमारे खिलाड़ी मुझे प्रसन्नता इस बात के अंदर आज करीब की 66 मॉडल हमारे देश के और उसमें से 50% हरियाणा जिसकी 2.5% ओनली पॉपुलेशन है। इसलिए हमारी खेल नीति ऐसी बनी है माननीय मुख्यमंत्री ने माननीय अनिल विज ने ऐसी हमने खेल के अंदर 3-3.5 साल के अंदर गांव का नौजवान और हमारा नौजवान जो पिछले समय नशे की तरफ जा रहा था आज खेल के मैदान में आ रहा है, आज कोचिंग सेंटर में आ रहा है और मैं नौजवानों को जो आज खेल में लेकर आया ऑस्ट्रेलिया के अंदर से वहाँ जीत कर आया तो उनको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ और उनके परिवारों को भी बधाई देता हूँ। पूर्व विधायक भारभूषण बत्रा द्वारा हाल ही में रेलवे एलिवेटेड ट्रैक को लेकर जो आरोप लगाए गए थे उन पर भी ग्रोवर ने चर्चा की। ग्रोवर ने कहा कि बत्रा कौन सी राजनीति सीख कर आए हैं उन्हें नहीं पता। उन्होंने कहा कि शहर में अकारण पुल कांग्रेस के दौरान बनाए गए थे। उन्होंने कहा कि जिन्हें इस बारे में कोई असमंजस है वह आकर उनसे इस बारे में समझ सकते हैं। साथ ही ग्रोवर ने कहा कि कांग्रेस रोहतक के विकास की गति को न रोके, कांग्रेस ने अपनी ताकत बढ़ाई वे जनता की ताकत बढ़ा रहे हैं। रेलवे एलिवेटेड ट्रैक पर बत्रा को चुनौती देते हुए ग्रोवर ने कहा कि किसी भी चैनल के माध्यम से वो इस पर चर्चा कर सकते हैं। साथ ही उन्होंने पूर्व विधायक पर हमला बोलते हुए कहा कि उन्हें कह गैबी नहीं आता, वह बाबू हैं और उन्हें अपनी प्रैक्टिस करनी चाहिए। अब बीबी बत्रा कौन सी क्लास से राजनीतिक लेकर आए हैं उसको राजनीति की समझ हो तो कैमरे के माध्यम से चर्चा कर लें। जूतनी में एलिवेटेड बना रहा हूँ, रेलवे एलिवेटेड बना रहा हूँ मैं। कम से कम 18 किलोमीटर जो गांव के किसानों की जमीन उपजाऊ थी उनको बचाया, ना तो वो जमीन किसान देते थे ना रेलवे लाइन यहाँ से बाहर जाते। जमीन है नहीं और आपको ऊपर जाना पड़ेगा आसमान की तरफ। आसमान में जाने का तरीका यही है कि नीचे सड़क ऊपर रेलवे लाइन। हम सड़क दे रहे हैं
उनको अगर समझ हो तो मेरे से आज समझ ले, नीचे सड़क है, ऊपर रेलवे लाइन है। और यहाँ तो लोग आज विकास की गति में स्वच्छता के नाम से हो, आज विकास के नाम से, इसलिए वो किसानों को भी बर्बाद करने में रहते हैं, विकास की गति को भी रोकते हैं, क्योंकि उन्होंने निजी अपना विकास किया है, अपने परिवारों का विकास किया। कांग्रेसियों ने अपनी आर्थिक ताकत मजबूत की है, मैं जनता की ताकत बढ़ा रहा हूँ, मेरी सरकार जनता की ताकत बढ़ा रही, विकास बढ़ेगा। आज KMP कम्प्लीट हो रहा है, मेरा IMT कम्प्लीट हो रहा है, जिससे दिल्ली GST और IMT से मेरे रोहतक की तरफ बिजनेस बढ़ेगा और इससे मेरे आम आदमी को काम बढ़ेगा। उनको नहीं पता ना, मैंने कहा उसको देखना तो आपके चैनल से आ जाए, उसको बता दूंगा। अभी उसको राजनीति का क्या नहीं पता, वो बाबू हैं, अपनी प्रैक्टिस करें।